फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता विद कान्हा जी। तो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ मीठा, वो भी 5-10 मिनट के अंदर में। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियो को देखिए। मैंने रख दिया इसमें दूध उबालने के लिए, और इधर थोड़ी सी सेवई रखी है मैंने कटोरी में, थोड़ा सा ये इसको पानी में मैंने रख दिया है, ताकि अगर मैं डायरेक्ट इसको कभी कभी हम जब डालते हैं ना उसमें से दूध के साथ में सेवैयों को, तो कभी कभी क्या होता है दूध फट जाता है, तो इसलिए ना फटे तो हम क्या करें, दूध को अलग उबालते हैं। और सेवई की थोड़ी सी बनानी है मुझे अपने कान्हा जी के लिए, तो उस हिसाब से ये जवे समझ लो, सेवई समझ लो, इसको मैं अलग थोड़े से पानी में इसको हल्का सा उबाल लेती हूँ, बॉइल कर लेती हूँ, ठीक है। और इसी बीच में आप दूध के साथ में चीनी भी डाल सकते हो, और जो भी आपको ड्राई फ्रूट करने हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा होने को है, तो मैं इसमें चीनी स्वाद के अनुसार डाल दूँगी, जैसे मुझे चाहिए एक बड़ा चम्मच भर के मैं चीनी इसमें डाल दूँगी, और इसको अच्छे से दूध को चला दूँगी। ये जब भी बॉयल हो जाएगा, इसमें मैंने पानी नहीं डाला है, ये सिर्फ दूध ही है, ठीक है। इधर ये मेरा हल्का सा ये हो चुकी है, ये सॉफ्ट हो गई है, तो हल्का सा बस ये हो जाएगा, तो इसको फटने का डर बिल्कुल रहेगा ही नहीं। इस बीच में मैं आपका गोला कद्दूकस कर लेती हूँ, थोड़ा सा अगर गोला देखती हूँ पड़ा होगा तो गोला देख लेती हूँ, और या फिर कुछ और देखती हूँ। तो गाइस देखिए, मेरे पास ये मखाने हैं, इनको मैं थोड़ा सा घी में रोस्ट कर लूँगी, और फाइनली मुझे थोड़ा सा गोला मिल गया था, मुझे लगा शायद नहीं है, और इसको मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। तो मैं आपको कद्दूकस करके दिखाती हूँ। गाइस, मैंने इसमें डाल दिया हल्का सा घी, और ये जो है मखाने मैं इसमें रोस्ट पे ही डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी घी, थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि थोड़ी सी क्वांटिटी के लिए ही हिसाब से मैं बना रही हूँ, ठीक है। और इसको हम थोड़ा चम्मच से चला लेंगे, तो इसको मैं ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे। ये इसमें यहाँ रोस्ट होता है, ये दूध ऑलमोस्ट पक चुका है, इसको थोड़ी देर बाद हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा नारियल कद्दूकस करके रख लिया है, ये देखिए थोड़ा सा भून जाएगा, उसके बाद मैं इसको निकाल दूँ। तो ये मैंने क्रश करूँगी इनको, थोड़ा सा ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो मैं इसको क्रश करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद में मैं इसमें सब मटेरियल जितना भी है सामान हमारा ये सेवई सब मैं ये दूध में डाल दूँगी। तो गाइस, मैंने हल्का सा क्रश किया, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं करा है, तो इसको मैं डाल दूँगी इसमें दूध में, दूध उबल ही रहे, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएंगे, उसी बीच में मैं डाल दूँगी ये सेवई, थोड़ा सा ये उबाल लग जाए, इसमें उबाल आ चुका है, अभी इसी चीज़ में मैं सेवई डाल दूँगी। गाइस देखो, मैंने इसमें सेवई डाल चुकी हूँ, ये देखिए, अभी थोड़ा सा इसको मैं पकने दूँगी, थोड़ा थिकनेस हो जाए, उसके बाद में जो भी मेरे पास अवेलेबल है, जैसे मेरे पास किशमिश नहीं है, उसके बाद ये जो नारियल का जो बुरादा है ना, इसको मैं ऊपर से डाल दूँगी गार्निश के लिए थोड़ा सा, तो इतने इसको मैं हम पकने देते हैं। और गाइस, मैंने ना ये फुल क्रीम का ये मैंने दूध यूज़ किया है, फुल क्रीम मदर डेरी का, जी हाँ। अभी देखो ये पक चुकी है, थोड़ा सा मैं सोची थोड़ा सा और ठीक हो जाए, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी अच्छी हो जाए, थोड़ी सी और, उसके बाद में इसको मैं सर्व करती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको कैसे कैसे मैं सर्व करती हूँ। कभी कभी मन करता है कि पर इसमें कुछ मीठा हो जाए। ये देखिए गाइस, ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है, अब इसको हम कर देते हैं गैस बंद और सर्व करते हैं। तो गाइस, मैं इसमें डाल देती हूँ हल्का सा ये थोड़ा सा जो बचा हुआ है गार्निश के लिए नारियल या सूखा गोला। देखिए गाइस, बहुत ही अच्छी और प्यारी लगती है, मतलब खाने में बहुत ही स्वाद आता है। कभी आप भी ऐसे कभी एक बार बना के देखिए, बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, रेसिपी थोड़ी सी भी आपको दिल को अच्छी लगी हो, देखने में ठीक लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट भी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय, रहते रहते।